अभी आपने देखा होगा, हमारा एक बहादुर जवान तिरंगा झंडा लेके खड़ा था, गिर गया। मेरे पास डॉक्टरों की टीम थी, फायर ब्रिगेड भी बाहर है। मैंने कहा डॉक्टरों को बुलाइए। मैं एक जिंदगी की हकीकत बताता हूं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अंदर यही प्रॉब्लम है, कर देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, हो गया, करना कुछ नहीं हमने। यह जिंदगी का कड़वा सच है। आधा घंटा यह डॉक्टर की टीम वहां, आधा घंटा डॉक्टर को आने में लग गया। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता, को गोली मार देता तो शायद एक घंटा लगता, और वो भी 10 बार अपने जवानों को कहा लाओ लाओ, वो सिर हिला रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे आ क्या रहा है, पकड़ो कॉलर से लेके आओ, हमारा लड़का नीचे गिर गया, उसका इलाज करो। ये हकीकत मैं आपके सामने बताता हूं, कर देंगे, हो गया, हो जाएगा, कैंडल लाइट जगा देंगे, नारे लगा देंगे, वंदे मातरम, भारत मां की जय, काम हो गया, बस मातृभूमि तेरा काम हो गया ना, मौत का कफन बांधना होगा, हिंदुस्तान के अंदर डिसिप्लिन बनाना होगा। मैं को नरेंद्र मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, मैं को बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, हां नरेंद्र मोदी की उस बात का समर्थक हूं जिसने 18 जवानों का बदला 45 में ठोक के लिया, और जिस दिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी को कह देगी नरेंद्र मोदी जी जो करना करो, कश्मीर की समस्या का हल करो, 370 दरा हटा दो, और जवानों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको कहता हूं 10 दिन के अंदर अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा।